नमस्कार शिक्षक साथियों, फरवरी माह का असेसमेंट जो है अभी बच्चे लिए जारी कर दिया गया है और आप लोगों को इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको असेसमेंट करने में आसानी होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत जल्दी इस वीडियो में कि आप असेसमेंट कैसे करेंगे फरवरी का, और जिससे कि आपका परेशानी ना हो। तो वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर करिएगा, कंजूसी मत करिएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने शिक्षक साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो जानते हैं आप जो है सबसे पहले लॉगिन हो जाइए, जैसे कि मैं हो चुका हूँ। उसके बाद 3 डॉट जो दिखाई देता है लेफ्ट साइड में टॉप इंटरफेस में, उसमें ऐप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद शिक्षक के कार्य, जैसे कि आप सब जानते होंगे। उसके बाद आपको चले जाना है विद्यार्थी का असेसमेंट करें। विद्यार्थी का असेसमेंट करें में क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए फरवरी 2021। तो मान लीजिए मैं कक्षा 6वीं का करने वाला हूँ असेसमेंट, और माह को मैं चुन लेता हूँ। तो फरवरी देखिए आ गया। अब इसमें दिखाई दे रहा होगा जैसे कि विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हैं मेरे स्कूल में उन सब का यहाँ पे पूरा डिटेल शो होने लगता है, आप लोगों को मालूम होगा। तो पहले विद्यार्थी जैसे कि नितेश पटेल में क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको इंटरफेस शो होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, नितेश पटेल कक्षा 6वीं जो है, तो आपको इस प्रकार से कौशल जो है दिखाई देगा। ऐसे इस तरह से आपको जो है कौशल दिए गए हैं और उसके उप कौशल दिए गए हैं, चार तरह के उप कौशल दिए गए हैं। तो पहले असेसमेंट जो आपने किया होगा पिछले माह, उसमें आपको हाँ या नहीं सही गलत वाले में आप जो है क्लिक किए होंगे, तो उसमें वो आपको नहीं करना है। आपको जो है जैसे एक बच्चे का आपको असेसमेंट करना है तो आपको एक कौशल को ही उसको देना है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि ये दिया होगा, जैसे कि मैं पहले चुन लेता हूँ ये कविता कहानी पर अपने विचार अभिव्यक्त कर पाता है। उसके बाद ये 3 ऑप्शन जो है आपको छोड़ देना है, कोई भी एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो ऑप्शन जो है वो उप कौशल जो है ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो एक एक करके आपको जो है चारों उप कौशल में से एक कौशल जो है आपको चुन लेना है और उसमें क्लिक कर देना है। साथ ही आप चाहें तो इसको रिकॉर्ड बनाने के लिए विषय के हिसाब से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको जैसे मन में आपका काम आएगा, जैसे कि मैं अभी एक कर रहा हूँ, अब आप लोगों को समझाने के लिए देखिए। आप इस प्रकार से आपको उप इकाइयों को, उप कौशलों को आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको कर देना है सेव। सेव करने के बाद आपको, आप लोगों को मालूम होगा किस प्रकार से इंटरफेस होता है, तो इस तरह से आपके पास पॉपअप आता है सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया, फिर ओके आपको कर देना है और वापस जाएं पे क्लिक करना है ताकि आप दूसरे बच्चे का मूल्यांकन जो है कर सके। फिर वही प्रोसेस आपको दोहराना है, जैसे कि कक्षा 6वीं का करना है मुझे। तो यहाँ देखिए उस विद्यार्थी नितेश पटेल का जैसे हमने किया तो उसका जो है मूल्यांकन हो गया, इसलिए ग्रीन कलर का हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लगातार करते जाना है और बाकी प्रोसेस आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद आपको इंतज़ार करना है उसका सत्यापन का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। और मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों को मिल जाए।